Good morning, everyone. Continuing with our next topic, suggestion towards better investment climate. Government, बहुत सारे nations की जो है वो committed है to the concept of globalization and liberalization. और globalization और liberalization के according हर एक year में, different years में, different countries में जो investment दूसरी कंट्रीज कर रही हैं, फॉरेन कंट्रीज जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज में, या जो कंट्रीज एक दूसरे की जो कंट्रीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, तो जो पैकेज है कि कितना वो फॉरेन कैपिटल एक कंट्री को मिल रहा है दूसरी कंट्री से, वो इनलार्ज होता जा रहा है एवरी ईयर. और होपफुली वो एबल होते हैं अट्रैक्ट करने में मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द ईयर्स टू कम. और इसके लिए ज़रूरी है कि एक बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वो क्रिएट करें, बॉटल नेक्स जो है उसको रिमूव किए करें, ताकि जो इनफ्लो है फॉरेन कैपिटल का वो हो सके. अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इनफ्लोज का अमंग ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया. इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ पे बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जिसमें उनके पास लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, राइजिंग पर कैपिटा इनकम है, डेवलपमेंट ऑफ सफिशिएंट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अबव ऑल परफेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस है. तो जो इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसे बनाया जाए और कैसे आप फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क है बिफोर द गवर्नमेंट, दैट इज टू कम अप विद अ क्लियर एंड बोल्डर पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और सेफ गार्ड करें इंटरेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स का. जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, इंडिया की जो प्रोसीजरल एनवायरमेंट है वो उसे बहुत कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स फील करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोटोरोला अपने जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट उसने ईयर मार्क्ड किए थे इंडिया के लिए कि वो इंडिया में खोलेगी, लेकिन वो वहाँ से शिफ्ट होके चाइना चली गई, क्योंकि चाइना में जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो ज़्यादा फ्रेंडली है. ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं इन द इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट उसे मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, एज इन डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है, प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी, चेक ऑन करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, ये जो स्टेप्स हैं वो हेल्प करेंगे टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. देन दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि क्यों यहाँ पर नहीं आते, दैट इज कि इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो जो गवर्नमेंट है उसे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डिवेल्प किया जाए. देन हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिवेल्प किया जाए ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट. देन आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए. फॉरेन कैपिटल को जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्ट करो रादर देन लोन. देन आपका जो इंडिया है उसे इनकरेज करना चाहिए उस फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, जिससे आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सके. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसे मेंटेन अगर नेशन कर सकता है तो एक वो सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी जनरेट करेगा इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर. तो जो फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अंडर डेवलप्ड नेशंस में उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो एक वेलकम मेजर है, और लेकिन उसमें सिलेक्टिविटी होनी चाहिए. जो नेशन है जो अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट वो सिलेक्टिव होना चाहिए कि उसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करनी है, इनवाइट करनी है, वो प्रायोरिटी एरियाज में करे, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पावर जनरेशन, टेलीकॉम्युनिकेशन एंड टूरिज्म. तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उन एरियाज में, उन सेक्टर्स में आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए जिनमें अट्रैक्ट करने से आपकी जो नीड है इंपोर्ट की वो कम हो और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन हो आपकी वो अच्छी हो. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी 2017. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने इशू की एक कंसोलिडेटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और ये पॉलिसी इफेक्ट में आई थी August 28, 2017 को. जो ये कंसोलिडेटेड पॉलिसी है उसने अब तक जो भी आपकी पॉलिसीज, रेगुलेशन, प्रेस नोट, सर्कुलर्स गवर्नमेंट ने इशू किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन सबको कंसोलिडेट करके प्रेजेंट पॉलिसी में डाल दिया. और
ये जो इफेक्ट हुआ था वो हुआ था August 27, 2017 से। जो ऑब्जेक्टिव था न्यू एफडीआई पॉलिसी का वो था प्रमोट करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थ्रू अ कंसोलिडेटेड पॉलिसी विच इज ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल सिंपल क्लियर एंड रिड्यूसेस रेगुलेटरी बर्डन। तो प्रमोट करने के लिए इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने सेटअप किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल टू हेल्प फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो प्रेजेंट एफडीआई पॉलिसी है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है क्योंकि अब इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही पॉलिसी स्टडी करनी है। तो जो मेन प्रोविजंस फीचर्स हैं इस पॉलिसी की वो क्या है, सबसे पहला ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी, लेकिन जो सिटीजंस ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान है अगर, या कोई एंटिटी जो इनकॉर्पोरेटेड है इन नेशंस में बांग्लादेश या पाकिस्तान में, वो इन्वेस्ट कर सकती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ थ्रू गवर्नमेंट रूट। फर्दर जो भी एफडीआई आएगी पाकिस्तान से वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती डिफेंस स्पेस एटॉमिक एनर्जी और इन अदर प्रोहिबिटेड एरियाज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विद प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू गवर्नमेंट रूट है, एंड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो थ्रू ऑटोमेटिक रूट है। एफआईआई इन्वेस्ट कर सकती है कैपिटल में इंडियन कंपनी के सब्जेक्ट टू 10% इंडिविजुअल की लिमिट है और 24% एग्रीगेट लिमिट है। एक क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर अदर देन एफआईआई वो इन्वेस्ट कर सकता है इक्विटी कैपिटल में इंडियन कंपनी के सब्जेक्ट टू 5% इंडिविजुअल लिमिट में एंड 10% एग्रीगेट लिमिट में। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स में सब्जेक्ट टू सेबी एंड आरबीआई रेगुलेशंस। देन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंडियन कंपनीज हैं वो इशू कर सकती हैं इक्विटी शेयर्स, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फुली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और ये जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इशू होने चाहिए विद इन 180 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड्स। जो इंडियन कंपनीज हैं वो इशू कर सकती हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में। देन रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई, एक इंडियन कंपनी जो रिसीव कर रही है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड फॉर इशूइंग शेयर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स अंडर द एफडीआई स्कीम, उसे रिपोर्ट करनी है डिटेल्स जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन उसे मिली है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट। देन जो इंडियन कंपनी है जो इशू कर रही है एडीआर जीडीआर उसे फर्निश करनी है आरबीआई को फुल डिटेल्स उस इशू की विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सच इशू। देन एलिजिबिलिटी ऑफ एफडीआई इन रेजिडेंट एंटिटीज, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो की जा सकती है इन फॉलोइंग रेजिडेंट एंटिटीज ओनली। एफडीआई इंडियन कंपनी में, एफडीआई बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरी कंसर्न प्रोवाइडेड, जो पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न है वो एंगेज नहीं है एग्रीकल्चर प्लांटेशन रियल एस्टेट और प्रिंट मीडिया में। एफडीआई इन वेंचर कैपिटल फंड, एफडीआई इन ट्रस्ट अदर देन वेंचर कैपिटल फंड्स इज नॉट परमिटेड। देन कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट नॉन रेजिडेंट्स कर रहे हैं इंडियन कंपनीज में, जबकि कोई भी अगर इंडियन कंपनी है जिसके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अपनी कैपिटल में वो इन्वेस्ट कर सकती है दूसरी इंडियन कंपनी में, लेकिन उसे इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ऑन 12th February 2019 गवर्नमेंट ने इशू की गाइडलाइंस कि कैसे कंप्यूट किया जाएगा फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स को किसी भी इंडियन कंपनीज के लिए। जो न्यू गाइडलाइंस हैं वो ओपन अप करती हैं स्कोप एडिशनल फॉरेन इक्विटी इनफ्लो के लिए इंडियन कंपनीज में। देन आपका एंट्री रूट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू रूट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। अंडर ऑटोमेटिक रूट जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसे अप्रूवल नहीं लेनी है गवर्नमेंट से ना ही आरबीआई से इन्वेस्टमेंट के लिए।
अंडर गवर्नमेंट रूट अगर जो अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 करोड़ रुपीज तक है तो प्रियोरियर अप्रूवल लेनी पड़ती है कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की। लेकिन अगर जो अमाउंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज है तो आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। एंड फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल ऑनलाइन फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की जो अलाउड है। देन नेक्स्ट इज पॉलिसीज ऑन कैप्स एंड एंट्री कंडीशंस ऑफ एफडीआई। प्रोहिबिशन ऑफ एफडीआई इन इंडिया में अगर पहले बात करें तो एफडीआई किन किन एक्टिविटीज और सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड है आप नहीं कर सकते। लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, कैसिनोज, चिट फंड्स एंड निधि कंपनीज, रियल एस्टेट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग सिगार, सिगरेट्स और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी अलाउड है, यहाँ ये परसेंटेज दिया हुआ है आपका डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में कितनी कितनी अलाउड है। तो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड मशरूम, टी प्लांटेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल सब में 100%। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री सेक्टर, माइनिंग, कोल एंड लिग्नाइट, कोल प्रोसेसिंग प्लांट, एल्कोहल मैन्युफैक्चर, कॉफी, रबर प्रोसेसिंग, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, हैजार्डियस केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग, डिफेंस इक्विपमेंट्स में 100%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सर्विस सेक्टर, एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म्स, ग्रीन फील्ड्स एंड ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिसर्च सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, पोर्ट्स, टाउनशिप्स, हाउसिंग्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, होटल्स एंड टूरिज्म, इंडस्ट्रियल पार्क्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, वेंचर कैपिटल फंड्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउस सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, होलसेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रांड रिटेलिंग, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट, चार्टर्ड एयरलाइंस, कार्गो एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम, केबल नेटवर्क, टेलीपोर्ट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इन सब में 100%। देन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का है तो 74%, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 74%, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में 74%, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में 51%, कमोडिटी एक्सचेंजेस में 49%, इंश्योरेंस में 49%, FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में 49%, प्रिंट मीडिया में 26%, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 26%। देन रेमिटेंसेस एंड रिपार्ट्रिएशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आपने हेल्ड कर रखी है ऑन रिपार्ट्रिएशन बेसिस तो जो सेल प्रोसीड्स हैं सिक्योरिटीज के जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो रिपार्ट्रिएट अपनी कंट्री में फ्रीली जो है वो भेज सकता है सब्जेक्ट टू टैक्स क्लियरेंस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देन डिविडेंड जो भी शेयर्स पे उसे मिल रहा है वो उसे फ्रीली रिपार्ट्रिएट कर सकता है, फ्रीली अपनी कंट्री में ले जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल डिपेंचर्स जो उसे मिल रहा है वो भी फ्रीली रिपार्ट्रिएटेड है। और जो भी ये सारी रिपार्ट्रिएशंस होंगी वो गवर्न्ड होंगी बाय प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये था हमारा चैप्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNCs, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।